हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू एफएफ शेयर करने वाली हूँ, जिसका नेम है व्हेन ए रिच सीईओ बिकम ऑब्सेस्ड विथ हिज न्यू मेल सर्वेंट के पार्ट वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ए स्टोरी सीवल की सबसे रिच यंग सीईओ किम तैयंग और एक साधारण हाउसकीपर जियोन जोंगकुक की है। सीईओ किम तैयंग अपने ही हाउसकीपर यानी कि मेट के प्रति ऑब्सेस्ड हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी से लग्जरियस होटल से, जहाँ जियोन जोंगकुक कुकिंग का काम करता है। होटल किचन के अंदर इस वक्त दो मेल के बीच हॉट इंटीमेट मोमेंट चल रहा है। फास्ट मेल योन जुन कहता है, वेट, तुम बहुत फास्ट जा रहे हो, अपने गति को थोड़ा धीमी करो। योन जुन के वर्ड्स सुनकर सुबिन उसी पोजिशन में पॉज हो जाता है। योन जुन फिर से गुस्से में शाउट करके कहता है, बेवकूफ, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो, मैं कब तक इसी पोजीशन में खड़े रहूँगा। सुबिन कहता है, योन जुन, वर्क टाइम पर ये सब करना क्या सही है? अगर हम दोनों को किचन के अंदर ये सब कुछ करते हुए बॉस ने पकड़ लिया तो? यह पकड़े जाने का डर है। योन जुन कहता है, यही तो इसे और ज़्यादा रोमांचक बना रहा है। सुबिन, क्या तुम पकड़े जाने के डर से यहाँ तक आकर अब इसे छोड़ना चाहते हो? अगर तुमने अभी इसे जल्दी ख़त्म नहीं किया तो मैं अपने लिए किसी और को ढूंढ लूँगा। अब बात करना बंद करके इसे अंदर डालो, इससे पहले कि सच में बॉस यहाँ आ जाए। सुबिन खुद को योन जुन के अंदर शामिल कर उसके कान के पास आकर कहता है, योन जुन। योन जुन कहता है, सुबिन कहता है, तुम सच में? योन जुन कहता है, क्या? सुबिन कहता है, अमेजिंग हो। योन जुन कहता है, जस्ट शट अप, जो कर रहे हो इसे जल्दी से करो। तभी जोंगकुक किचन के अंदर एंटर करके योन जुन और सुबिन को ये सब कुछ करते हुए देख लेता है। योन जुन स्माइल करके कहता है, हाय जियोन। जोंगकुक कहता है, तुम दोनों वर्क प्लेस पर ये सब कुछ क्या कर रहे हो, सच अ शेमलेस पर्सन बोथ ऑफ यू। योन जुन कहता है, सुबिन, तुम क्या कर रहे हो, इसे और गहराई तक डालो, मैं अच्छी तरह तुम्हें महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। सुबिन कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम बहुत सख्त हो। सुबिन टी शर्ट के ऊपर से ही अपने दो उंगली से योन जुन के राइट साइड चेरीज उंगली के बीच में पाकर कर थोड़ा रगड़ते ही योन जुन सॉफ्ट मौन करता है। जोंगकुक दूसरे काउंटर में चुपचाप चॉपिंग कर रहा था। सुबिन बुरी तरह हाँपते हुए कहता है, योन जुन, मेरा बस हो गया है, आई एम फिनिश्ड, अब इसे निकल रहा हूँ मैं। योन जुन कहता है, यू इडियट, अभी तो तुमने इसे मुश्किल से स्टार्ट किया था और अभी इसे क्लोज करने की बात कर रहे हो तुम। तभी भयानक आवाज़ के साथ डोर ओपन होता है। बॉस योन जुन और सुबिन को बिना कपड़ों के एक साथ किचन के अंदर वो सब कुछ करते हुए पकड़ लेता है और साथ में किचन के अंदर जोंगकुक को खड़ा देखकर बॉस को उस पर भी डाउट होने लगता है। उन्हें लगा जोंगकुक भी इन दोनों के साथ मिलकर गंदे काम कर रहा है। बॉस शाउट करके कहता है, योन जुन, यू क्रेजी बास्टर्ड, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? गलती योन जुन और सुबिन का है, लेकिन होटल के बॉस जोंगकुक को भी नौकरी से निकाल देता है। जोंगकुक को जॉब में ज्वाइन किए सिर्फ 2 महीना ही हुआ था और अब फिर से उसे किसी और के गलती के कारण जॉब से निकाल दिया गया है। जोंगकुक होटल से बाहर जाते हुए मन ही मन कहता है, साला कमीना घटिया बॉस जानबूझकर किचन के अंदर आया। उसके पास आंखें हैं, सब कुछ देखने के बाद भी उसने बिना गलती के मुझे काम से निकाल दिया है। आई नो उस कमीने ने मेरा साथ ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि सबसे पहले उसने मुझे गलत ऑफर दिया था, मैंने मना कर दिया, तो अब नौकरी से निकाल कर गुस्सा दिखा रहा है। अगर मुझे पहले पता होता कमीना मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं वहाँ रुकता ही नहीं। इतनी शर्म की बात है, बिना किसी गलती के बदनाम होकर निकलना पड़ा मुझे। जोंगकुक बस स्टॉप पर बैठकर बस के लिए इंतज़ार कर रहा था, तभी उसके मोबाइल पर क्रेडिट कंपनी से मैसेज आता है, उसे बैंक में मनी जमा कराना है। जोंगकुक मन में सोचता है, स्कूल साइन अप के डे करीब आ रहा है लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है, एंट्री फी भी बहुत हाई है, मुझे नहीं लगता मैं नेक्स्ट एंट्री फी अफोर्ड कर पाऊँगा। तभी उसके पास किसी का कॉल आ जाता है। जोंगकुक कॉल रिसीव करके कहता है, हाँ हेलो, कौन बोल रहा है?
दूसरी साइड की बातें सुनकर जोंगकुक के आंखें शॉक के वजह से वाइडन हो जाता है। सॉरी, मैं पहचान नहीं पाया था आपको, कौन सी हॉस्पिटल में है वो? जोंगकुक जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंच जाता है। रिसेप्शनिस्ट से पूछकर जोंगकुक वार्ड के डोर पुश कर अंदर आकर कहता है, आंट। जोंगकुक के आंटी कहती हैं, हाँ तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मैं इतनी भी इंजर्ड नहीं हूँ जितना तुम इस वक्त रिएक्ट कर रहे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम अभी हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी काम पर होना चाहिए था, जोंगकुक कहता है। जब मेरे पास खबर आई तो मैं घबरा गया था, मैं बस आपके शरीर के बारे में सोच रहा था, स्पेशली आपके एज को लेकर ज़्यादा फिकर हो रहा था मुझे। एग्जैक्टली क्या हुआ था आंटी, आप हॉस्पिटल कैसे पहुँच गए? आंटी कहती हैं, हाँ मैं काम कर रही थी, अचानक एक एक्सीडेंट हो गया और फिर मैं यहाँ। एनीवे डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं एक हफ्ते तक कोई भी काम नहीं कर पाऊँगा, एक हफ्ते तक मुझे बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, जोंगकुक कहता है। आप किस मिट्टी से बने हैं, आप इस हालत में भी काम के बारे में कैसे सोच सकती हैं? जोंगकुक के पेरेंट्स नहीं हैं, पेरेंट्स के डेथ के बाद जोंगकुक अपने आंटी के साथ हैं, आंटी उसके पाल पोसकर बड़ा किया है। आंटी कहती हैं, मुझ पर गुस्सा करना बंद करो तुम। जोंगकुक शांत होकर मन में सोचता है, नहीं मुझे अभी आंटी से माफ़ी मांगना होगा, 8 साल से आंटी हाउस कीपर के काम करके मेरा पालन पोषण किया है। आंटी कहती हैं, मैं जिस घर में काम करती हूँ वो बहुत बिग हैं, अब उम्र हो गई है, ध्यान नहीं दे पाई और एक्सीडेंट हो गया, लेकिन तुम ये सब कुछ छोड़ो, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे जॉब का क्या हुआ? जोंगकुक बात को घुमाने की कोशिश करते हुए कहता है, ओ तो एक्सीडेंट ऐसे हुआ था, आंटी आपको प्यास लगी है? आंटी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम्हें फिर से जॉब से निकाल दिया गया है, इस बार तुमने क्या किया? जोंगकुक तुमने प्रॉमिस किया था तुम नेक्स्ट ईयर से स्कूल ज्वाइन करोगे। जोंगकुक आंटी के गुस्से से खुद को सेव करने के लिए भागता है, तभी जोंगकुक के सिर किसी के सख्त बॉडी से जाकर टकरा जाता है। जोंगकुक एक हाथ से फोरहेड मसाज करते हुए ऊपर देखता है तो उसके सामने एक टॉल हैंडसम मैन ब्लैक कपड़े पहनकर खड़ा था। जोंगकुक तुरंत उस पर्सन से माफ़ी मांगने लगता है, आई एम सॉरी सर, फिर मन में कहता है, व्हाट अ बॉडी, वेट एक कोई गैंगस्टर है? उसे पसीना आने लगता है, तभी पीछे से कोई कहता है, हाउ इज़ योर बॉडी? जोंगकुक इडियट की तरह मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, ए पर्सन और कोई नहीं, CEO किम तैयंग है। और जोंगकुक जिस पर्सन से टकराया वो किम तैयंग के बॉडीगार्ड किम नामजुन है। तैयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, मैं तुमसे नहीं तुम्हारी आंटी से पूछ रहा हूँ। आंटी कहती हैं, मिस्टर किम आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, मिस्टर किम आप यहाँ क्यों आए हो? तैयंग कहता है, मिस हेलेना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठ जाए, मैं यहाँ आपको चेक करने के लिए आया हूँ और आपके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आया हूँ। तभी नामजुन कहता है, मिस हेलेना आप मिस्टर किम के लिए सालों से काम कर रही हैं, इसलिए जैसे ही मिस्टर किम को पता चला कि एक्सीडेंट के कारण आप हॉस्पिटल में हो, मिस्टर किम खुद हॉस्पिटल आकर आपको देखना चाहता था कि आपके शरीर अब कैसा है। आंटी आपको तो पता ही है मिस्टर किम आपके अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं करता, अगर आप ठीक है तो क्या आप कल से वर्क पर आ सकते हैं? चिंता मत कीजिए, पूरी तरह ठीक होने तक आपको सिर्फ सर के लिए लाइट वर्क करना पड़ेगा। तभी जोंगकुक एंगर में शाउट करके कहता है, बेवकूफ़ इंसान ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो, वो भी एक पेशेंट के साथ, तुम लोग सच में क्रेजी हो। तभी तैयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, बस बहुत हुआ नामजुन चलो चले, प्लीज़ आंटी हेलेना लुक आफ्टर योर बॉडी, मैं आपसे बाद में आकर मिलता हूँ। तभी मिस हेलेना कहती हैं, बॉस अगर आपको ठीक लगे तो मेरा नेफ्यू, आई नो आपको पसंद नहीं है कि कोई आपके सामान को हाथ लगाए, लेकिन मेरा नेफ्यू जोंगकुक ब्लू स्टोन होटल में काम कर चुका है, वहाँ से क्लीनिंग किचन की ट्रेनिंग भी ले लिया है उसने, और वो हाउसकीपिंग बहुत अच्छे से करता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं उसकी गारंटी देती हूँ। ये सुनकर जोंगकुक के आंखें वाइडन हो जाता है। जोंगकुक कहता है, आंट मैं, हेलेना डेंजरस लुक से जोंगकुक के तरफ देखकर कहती है, मुंह बंद रखो तुम। जोंगकुक मन में सोचता है, अगर अभी मैंने
इस जॉब को रिफ्यूज़ कर दिया एंड मुझे जिंदा खा जाएगी। इससे अच्छा मैं अपने मुंह को बंद करके रखूं। जोंगकुक गहरी सांस छोड़कर कहता है, वेल मैं अपने अंड जितना गुड तो नहीं हूँ सर, लेकिन मैं स्किल को लेकर पूरी कॉन्फिडेंट हूँ। तायंग कहता है, क्या इससे पहले उसने कहीं काम किया है? अंड कहती है, नो नॉट एट ऑल मिस्टर किम, बहुत सारे रीज़न के वजह से जोंगकुक अभी भी बेकार है, उसके पास कोई जॉब नहीं है। तायंग अपने बॉडी गार्ड असिस्टेंट नामजून से कहता है, जब तक आंटी काम पर वापस नहीं आ जाती हैं तब तक के लिए जोंगकुक को आंटी के जगह पर वर्क पर रख लो। जोंगकुक कहता है, जी ठीक है। फिर मन में कहता है, किसने कहा कि इससे ज़्यादा तुम्हारे घर पर मैं काम करूँगा, यू रूट जर्क। तायंग कहता है, तुम जेहुप से अपना आइडेंटिटी कार्ड ले लो, जेहुप तायंग के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। फिर मन में सोचता है, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अगर ये आंटी हेलेना का भतीजा है तो मैं उसे 1 वीक के लिए काम पर रख कर उसका टेस्ट ले सकता हूँ। नामजून जोंगकुक को कार में बिठाकर ड्राइवर से उसे मेंशन ले जाने के लिए कहता है। जोंगकुक जब मेंशन में पहुँचता है, जेहोप उसे वेलकम करता है, गुड डे, मैं हूँ सेक्रेटरी जेहोप, तुम मुझे वो भी कहकर बुला सकते हो, हालांकि आज के बाद तुम्हारे साथ मेरा मिलना नहीं होगा क्योंकि तुम यहाँ मेंशन में काम करोगे और मैं बॉस के साथ ऑफिस में। जोंगकुक मन में सोचता है, मिस्टर किम सच में बहुत क्रूएल है, वो लोगों से बहुत काम करवाता है, उसने इतना काम किया है कि उसके आंखों के नीचे काला घेरा बन गया है, बेचारा हो भी। जेहोप कहता है, प्लीज़ मेरे साथ उस तरफ चलिए। जोंगकुक जेहोप के साथ अंदर जाने लगता है, कुछ बातें हैं जिसकी जानकारी तुम्हारे पास होना चाहिए, मैं तुम्हें अभी बेडरूम के डायरेक्शन में लेकर जा रहा हूँ, वहाँ तुम्हें क्या काम करना है अच्छे से समझ लो और माइंड में एक वर्क प्लान बना लो, और हाँ इस प्लान को तुम्हें अच्छे से याद कर लेना है। जेहोप जोंगकुक के हाथ में कुछ पेपर्स देकर कहता है, इसे अच्छी तरह रीड करके माइंड में बिठा लो, तुम्हें इस पेपर्स पर लिखी हुई ऊपर से नीचे तक सारे नियमों का पालन करना होगा। जोंगकुक एक नज़र उन पेपर्स पर डालकर मन में सोचता है, यह इतने सारे रूल्स क्यों हैं। जेहोप कैलकुलेटर में कुछ टाइप करने के बाद जोंगकुक के सामने आगे करके कहता है, और तुम्हारे एक हफ्ते की सैलरी लगभग इतनी होगी। स्क्रीन पर इतने सारे अमाउंट देखकर जोंगकुक के आंखें शौक के वजह से वाइडन हो जाता है। जोंगकुक कहता है, मिस्टर होबी मैं पूरे मन से काम करूँगा। तंग मीटिंग ख़त्म कर कुर्सी से उठकर खड़े होने के बाद कहता है, आप सब जा सकते हैं। मेंबर्स कहता है, बाय मिस्टर किम। तंग ऑफिस से निकाल कर कार में आकर बैठ जाता है। ड्राइवर कहता है, बॉस क्या कहीं और जाना है या फिर सीधा घर चले? तायंग कहता है, नहीं हम सीधा घर जा रहे हैं। तंग कार में बैठकर मन में सोचता है, पूरा दिन वर्क करके इतने सारे लोड, ऊपर से घर की चिंता, बस आंटी के बिना घर पर क्या चल रहा है, मैं इसे लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। कार मेंशन के एंट्रेंस पर आकर रुकते ही तंग गहरी सांस छोड़कर कार से बाहर आ जाता है। तंग कोट निकालते हुए मेंशन के अंदर जाने लगता है। तंग मन में कहता है, मिस हेलेना अपने नेफ्यू को यहाँ काम पर भेजने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रही थी, अगर घर के अंदर गंदगी है तो मैं दोनों के अगेंस्ट FIR कर दूँगा। तंग लिविंग रूम के एंट्रेंस पर आकर रुक जाता है। डोर के पास क्लीन स्लीपर्स जो घर में पहने जाती हैं, जोंगकुक कार के हॉर्न सुनकर तायंग के लिए पहले से ही डोर के पास रख दिया था। तायंग शूज निकालकर चप्पल पहनकर कमरे के अंदर आकर और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। लिविंग रूम के हर एक कॉर्नर चमक रहा था, एवरीथिंग इज क्लीन एंड परफेक्ट। तभी जोंगकुक होठ पर बड़ी सी मुस्कान लिए कहता है, वेलकम बैक मिस्टर किम, और फिर हाथ ऊपर कर उंगलियों से अपने बालों को कान के पीछे करने लगता है। जोंगकुक कहता है, मिस्टर किम क्या आपने खाना खा लिया है? अगर नहीं तो मैं अभी आपके लिए फूड प्रिपेयर करता हूँ। टेबल के ऊपर इतने सारे डिशेस को देखकर तंग और ज़्यादा शौक हो जाता है। जोंगकुक कहता है, आज रात डिनर के लिए क्रिस्पी ग्रिल्ड फिश डिप्ड विद सोया सॉस और मेरे तरफ से एक स्पेशल डेजर्ट स्ट्रॉबेरी केक विथ चॉकलेट। मेरे आंटी ने मुझे बहुत बहुत सी विनिंग डिशेस
बनाना सिखाया है। आई होप कि आपको सारे आइटम बहुत ज़्यादा पसंद आएगा मिस्टर किम। ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।